तो सबसे पहले हम फिश को मैरिनेट करेंगे। यहाँ मैंने रोहू मछली का इस्तेमाल किया है जो बाज़ार में आसानी से हमें मिल जाती है। तो इसमें डाला है 1 चम्मच मिर्च पाउडर। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसमें जाएगा 1/2 चम्मच नमक। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिश को मैंने अच्छी तरह से 3-4 बार साफ कर लिया है। अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके इसे 10 मिनट के लिए साइड में इसे रख देते हैं। तो यहाँ मैंने करी बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। तो सूखा नारियल के 2 टुकड़े हैं, 1 अदरक का टुकड़ा है, 1 मिर्ची के 2 टुकड़े किए हुए हैं, लहसुन की कुछ कलियाँ हैं, 1 टमाटर है, कटा हुआ प्याज है और ये धनिया है। तो इसे मिक्सी में पीस लेते हैं। यहाँ मैंने एक मिक्सी का जार लिया है, इसमें हम अब नारियल के टुकड़े कर लेंगे। नारियल के टुकड़े करने बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो अच्छे से पेस्ट नहीं बनेगा इसका। इसके बाद इसमें डाल लेते हैं गार्लिक। इसके बाद इसमें डालेंगे हरी मिर्च, ये बहुत ही तीखी वाली मिर्ची है इसीलिए इसमें कम डाली है। अदरक का 1 इंच टुकड़ा है, अब इसे हम पीस लेंगे। मसाला पीस कर तैयार हो गया है। अब प्याज और टमाटर को पीस लेते हैं। 1 प्याज डाला है मैंने इसमें और 1 टमाटर भी काट के इसमें डाल लेते हैं। कुछ धनिया के पत्ते हैं। ये मसाला भी बनके तैयार हो गया है, इसे कटोरी में निकाल लेते हैं। तो अब करना क्या है, गैस को ऑन करके मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें 2 चम्मच मैंने ऑयल डाला है। सबसे पहले हम फिश को फ्राई कर लेते हैं। मसाला करी बनाने के लिए हम फिश को फ्राई करके उसमें डालेंगे तो करी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आप इसे ट्राई करके देखना ज़रूर। फिश को यहाँ ज़्यादा कुरकुरा नहीं बनाएंगे, बस दोनों तरफ से पलट के 2-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। ये अब फ्राई हो गई है, इसे हम 1 प्लेट में निकाल लेते हैं। अब बची हुई फिश को भी फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप इस तरह से फ्राई करके मसाले में डालेंगे तभी आपकी मसाला करी बहुत टेस्टी बन जाएगी। तो चलिए तड़के की तैयारी कर लेते हैं। गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई को रख दिया है, इसमें अब 2 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। अब इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून राई। जैसे ही राई पक जाती है इसमें डालेंगे करी लीव्स। हाई फ्लेम पे ही करी लीव्स डालना, तभी उसका अच्छा सा फ्लेवर आता है मसाले में। अब सारे मसालों को इसमें डाल लेते हैं। अब हमें गैस को कम करना है। कम गैस पर इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। इसके बाद इसमें जाएगा सबसे पहले धनिया पाउडर। इसके बाद इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1 चम्मच और उसके बाद इसमें डालेंगे घर का बनाया हुआ मसाला 2 चम्मच और ये स्वादानुसार नमक। सारे मसालों को मिलाएंगे अच्छी तरह से। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, घर का मसाला जो हमारा बनाया होता है वो बहुत ही टेस्टी होता है, मैं हमेशा उसी को यूज़ करती हूँ। अब इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून गरम मसाला, इसे भी मिक्स करना है। मसालों का कलर बहुत ही अच्छा आ गया है, खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 कप पानी। तो मैंने यहाँ पे 1 कप ही पानी ऐड किया है। 2-3 लोगों के हिसाब से मेरी ये करी बन के तैयार हो गई है। अगर आपको ज़्यादा लोगों के लिए बनानी हो तो अगर इसमें पानी आप एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो बहुत ही पतला बन जाएगा, इसीलिए आप इसमें और मसाले ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हम मसाला करी में फिश को ऐड कर लेंगे। फिश का कलर देखिए अच्छा आ गया है, क्योंकि पहले से ही मैंने इसे फ्राई करके लिया था। अब करी में इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि पहले से ये फ्राई की हुई फिश है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के लिए यहाँ पे हम इसे पका लेंगे। तो आइए आगे की फिश फ्राई की प्रोसेस कर लेते हैं।
तो आज यहाँ मसाला फ़िश करी एंड फ़िश फ्राई बनके तैयार हो गई है। आप भी इसे ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।